फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको अभी बहुत नॉइज़, बहुत शोर मिलेगा। मेरे हाथ में और कुछ है नहीं, मतलब जो इतना दिन से पैकिंग की थी सब पूरा इधर से उधर हो गया है। आज वेट कर रही हूँ, मतलब वो कभी 21 किलो, कभी 20 किलो, ऐसे करके पैक सब हो रहा है। अभी उसमें से भी कुछ कुछ निकाल के बॉक्स में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज़्यादा रिक्वायर है, कौन सा नहीं है। ऐसे करके चल रहा है। घर का हालत मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से कैसा है। अभी का हालत फिलहाल अभी कुछ ऐसे टाइप का है। भगवान को मैं इधर से थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट की हूँ और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। अभी ये वार्डरोब भी आज ले जाएंगे एंड जो बैग सारा था सब निकाल के अभी रखी हूँ। अभी फिर से मुझे वहाँ पर पैकिंग करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ अभी आज ले जाएंगे तो यहाँ पे एक है और कल ये सब सामान भी चला जाएगा। तो आज के अंदर ही सब कुछ करना है। तो जहाँ पे जो रखी थी अभी सब कुछ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब वहाँ पे तो एयरपोर्ट में और ज़्यादा कुछ होगा। एंड एयरपोर्ट में पर केजी के लिए 150, मतलब 1500 करके देना भी बहुत लगेगा। तो वही अभी देखते हैं, वो सब आज एडजस्ट करना है। सत्संग का रेंटो मुझे का कुछ इशू हो रहा है, पता नहीं उसका क्या चल रहा है। वो सब कुछ मिला के पूरा हैपजट है, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है और थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो आज लंच में ज़्यादा कुछ बना ही नहीं हूँ। यहाँ पे जैसे कि कल चिकन का जो कषा की थी उसको थोड़ा से टमाटर और वो चिली डाल के थोड़ा सा पतला सा ग्रेवी कर दी हूँ। राइस बैठाई हूँ और अभी रिद्धि को नहाऊंगी। तो रिद्धि को अभी नहाऊंगी और यहाँ पे राइस कर दी हूँ, आलू बॉईल की हूँ। तो सब कुछ मिला के चल रहा है। ये सबको भी फेंकना है, फ्रिज खाली करना है। फ्रिज खाली करना मतलब ही तो बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। फ्रिज में देखो सब कुछ है, स्वीट्स इतना, एग, ये सब है। ये लोग बोले थे वेडनेसडे आएंगे और अचानक से बोल रहे आ जाएंगे, पता नहीं अभी देखते हैं। अगर वेडनेसडे आता तो अच्छा होता, अदरवाइज देखते हैं। चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, अभी जो होगा शेयर तो करूँगी आपके साथ। तो लंच में है राइस, थोड़ा सा आलू का चोखा है, चिकन का जो पतला सा झोल, वो कल कसा कोई मैं झोल की हूँ, थोड़ा सा चीनी टमाटर डाल के, और थोड़ा सा क्यूकम्बर था, लेमन था। अभी थोड़ा बहुत कम लगेगा आपको शायद, ऐसा है अभी सिचुएशन। अभी बर्तन का ये आ चुका है तो बाकी मैक्सिमम जो सब मतलब एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि ये सब डब्बा, ये तो सबको ही लगता है चावल आटा वो सब, ये मैंने आई ली थी यहाँ पे अनिष्का, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये सब वॉश करके अभी ली हूँ और कुछ मतलब जो मेरा अच्छा अच्छा सामान है वही सब लूँगी, अदरवाइज सब यहाँ पे एक बोरा की हूँ, सब डाल के जा रही हूँ। तो चलिए अभी काम ख़त्म करते हैं, अभी टाइम भी बहुत हो गया, 8 o'clock हो गया है। एक सेट ड्रेस मैं छुपने दी हूँ, दो बेडशीट भी छुपने दी हूँ, तो जितना है उतना करती हूँ। बाकी आज बारिश कम है तो आई होप कि ये सब सूख जाएगा, ये डेली यूज़ का है। तो एक ट्रॉली अभी खाली रख ली हूँ, इसमें जाएगा, बाकी सब पैक हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 7 बॉक्स हो चुका है और भी 7-8 होगा। तो चलिए कल के अंदर ये पूरा खाली हो जाएगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम हो गया है 7:20 और सब कुछ उठ गए हैं क्योंकि आजकल नींद तो अच्छा से हो नहीं रहा है, उसमें सोने से थोड़ा सा तो हैबिट चेंज हो रहा है। तो रिद्धि भी उठ चुकी है एंड बारिश बहुत हो रहा है आज। तो थोड़ा सा पोटैटो फ्राई और पराठा हुआ है वो यही ले जाएगा। राइस तो मतलब उतना ये नहीं है, राइस अभी प्रेशर कुकर में एक वाला ही है, मैक्सिमम सामान तो वहाँ पर रख दी हूँ। तो बस और बॉयल्ड एग और चाय पी के ही जा रहा है शशम, दो बिस्किट के साथ, तो उसको अभी दी हूँ मैं। और सब अभी उठ चुके हैं, घर अभी ऐसा है सिचुएशन, अभी थोड़ी देर में ही वो लोग आ जाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ टिफिन। उसके लिए पराठा, अभी एक मैं आलू का फ्राई कर दूँगी और स्वीट्स बहुत जम गया है घर में तो अभी स्वीट्स भी दे दूँगी। देखिए घर पूरा खाली हो गया है,
हाँ सोफा है, ये सोफा और ये सब शायद कल शाम तक या परसों चला जाएगा, मोस्टली शायद वेडनेसडे ही बोला है शशांक, क्योंकि हम लोग थर्सडे से ही घर लेंगे, तो वेडनेसडे शाम में बोला है, तो अगर रिक्वेस्ट करके थर्सडे सुबह लोग ले जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज देखते हैं क्या है। तो अभी तो घर पूरा खाली, दीदी भी आज बहुत अपसेट है, सुबह से बहुत रोई है, रो रो के से थोड़ा सा फीवर फीवर लग रहा है, क्योंकि उसको अचानक से पूरा खाली हो गया है ना, इतना दिन तक पैकिंग करेंगे करेंगे अभी, और उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं थोड़ा से जो सब्जी स्वीट्स और पराठा जो सुबह की थी वही हुआ, अब भी जल गया है, अभी टाइम 2 o'clock हो गया है, रिद्धि कुछ खाई नहीं है, ये सब चल रहा है, बच्ची है समझ में आ नहीं रहा इसको, मैं यहाँ पे ऑफिस की हूँ थोड़ा से, तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर उठ जाएगी तो पता नहीं क्या है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो सुजीता का अभी भी, रिद्धि का अभी भी बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, उसको 101 करीब फीवर है, कल तो रात भर उसको जल पट्टी की हूँ, यानी मैक्सिमम मतलब प्रॉब्लम एक है, मेडिसिन नहीं लेती है, कैल्पोल ले नहीं रही है, जितना बार दे रही हूँ उल्टी हो जा रहा है उसको, तो कुछ टाला नहीं है। लास्ट में शशांक जाके नीचे एक होम्योपैथी में शॉप है वहाँ से जाके ये लेके आया है, अभी पता नहीं कब तक काम करेगा, अभी उसको 2 बिस्किट लेके बैठी हूँ चाय के साथ, अगर थोड़ा से लेती है, देखिए मुंह में कैसे करके रख रही है, खा ही नहीं रही है, तो वही अभी देखते हैं जो जो है। तो आज कुछ और शूट नहीं करूँगी मैं, थोड़ा बहुत अपडेट के लिए कर रही हूँ, तो आज तो ऐसे दिन भर का कुछ प्लान नहीं है खास, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ कल एकदम डे एंड में थोड़ा थोड़ा जो डेली यूज़ का चीज़ है वो बैग में डालूंगी, एंड थर्सडे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो बस वही है। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ आपके साथ, अभी मैं भी थोड़ा सा चाय ली हूँ, तो ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। कल मतलब बहुत स्ट्रेस वाला दिन था, एक तो सारा सब घर खाली हुआ, ऊपर से रिद्धि रो रही थी, उसको रुकना है यहाँ पे, बस उसको फीवर आया, मे बी थोड़ा डिप्रेशन भी है उसको, तो सब मिला के रात भर अच्छे से सो ही नहीं हूँ अभी, तो कुछ है आज देखते हैं, तो बस लीव ले लूँगी, एंड रिद्धि के पास ही रुकना है अभी भी, वो पूरा ठीक नहीं हुई है, तो मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, खास कुछ दिखाई ही नहीं हूँ आज तो, बट इसको मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी, तो बस चलिए मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, बाय बाय।